सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों में से सबसे ज्यादा नाबालिग हैं। हालांकि अब पुलिस जांच कर रही है, हमारे सर्जन के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड के जमशेदपुर में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आज यात्रा रोक रहे हैं, कल घंटी भी नहीं बजने देंगे, बीजेपी को लाइए, एक रहिए, नेक रहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है, जब भी भाषा जाति के नाम से बटे हैं, निर्ममता से कटे हैं, बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर, आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव भी होना है 20 नवंबर को। झारखंड के जमशेदपुर में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है कि या आज यात्रा रोकी है, कल घंटी भी नहीं बजने देंगे, ये निशाना साधा है। सरकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, पहले बटेंगे तो कटेंगे, और अब एक नया आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि अभी तो यात्रा रोकी है, आगे घंटी भी बजने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर झारखंड चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण आप समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ विपक्ष भी निशाना साध रहा है। तो बड़ा सवाल है कि इस बयान के क्या मायने समझे ऋषिकेश? देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला है, और यहीं से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बड़का गांव में अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने वो बयान दिया था। इसका मतलब साफ है कि झारखंड में 15% मुस्लिम आबादी है और 26% के आसपास आदिवासी हैं, कुल मिलाकर 41% हो रहा है। और ये बात बखूबी जानती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर 41% वोट इंटैक्ट रहा तो लोकसभा में जो 5 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी और विधानसभा में जिस तरीके से उसे बढ़त थी, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो 2 मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल की माफी हो, किसान जो कृषि का किसान ऋण था उसकी माफी हो, अगर इन सब वोटों का कुछ वोट ऐड हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुश्किल है सत्ता के राह तक पहुंचना। इसीलिए 4 दलों का गठबंधन होने के बावजूद जो शहरी सीट है और जो गैर आदिवासी सीट है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत रही है। और अगर योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि एक होंगे नेक होंगे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जैसे इसका मतलब है कि हिंदुत्व और जो कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण की, उसे झारखंड में अमली जामा पहनाया जा सके। क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं, तकरीबन 8 से 10 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो बंगाल और बांग्लादेश से सटी हुई है, जिसमें पाकुड़ है, जामताड़ा है, राजमहल है, और इन इलाकों में जिसकी चर्चा बार बार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि एक औरंगजेब था और एक दूसरा आलमगीर आलम जो कांग्रेस कोटे से काबीना मंत्री थे और जिनके यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा पकड़ा है, तो ध्रुवीकरण के साथ साथ करप्शन का जो कॉकटेल है उसको भुनाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए अजान, घंटी, मंदिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि 26% आदिवासी और 15% मुसलमान के साथ, अगर जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, जिसमें उनकी योजनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही पिछले बार 2019 में आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी 25 पर सिमट गई थी, लोकसभा में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा, 14 में से 12 सीटें एनडीए के पास थी लेकिन वो महज 7 रह गई। तो लड़ाई काफ़ी नज़दीक का है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हरियाणा के बाद अगर उसे झारखंड जीतना है तो इस 41% वोट को, 26 और 15 मुसलमान और आदिवासी के वोट को, अगर वो इंटैक्ट अगर तोड़ने में सफलता नहीं हासिल की तो फिर पूर्ण बहुमत का जो खाका खींचा गया है वो काफ़ी मुश्किल होगा। और अब तक इतिहास रहा 2000 से 2024 तक कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 2014 में बीजेपी मैक्सिमम 37 सीटों पर जाकर रुक गई थी जब रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, और उसके पहले किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन को जरूर बहुमत मिला,
खास करके चाहे वो 19 को देख लीजिए या 2014 में देख लीजिए जब आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी दो गठबंधन आमने सामने है और 41% वोट को रोकने के लिए ही योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे नेक होंगे, अजान मंदिर मस्जिद घंटिया जैसे चीजों को चुनाव में ला रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार आदिवासी स्मिता को भी जोड़ रहे हैं और मुसलमान और पारिवारिक तुष्टिकरण पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो कोशिश है उनकी 41% वोट बैंक को सेंधमारी करने की, तोड़ने की, विपक्षी वोट को बिखराने की और इसीलिए ये बार बार इस तरीके के राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं और झारखंड की सियासी पिच पर कितना ये सफल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण एक बड़ा मामला रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में और ध्रुवीकरण कुछ कुछ जगहों पर वो होता भी रहा है। तो ये देखना होगा और यही इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए आदिवासी अस्मिता का सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जब आ रहे हैं यहाँ तो वो बार बार कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन छीन कर अडानी और अवानी अंबानी को दे दी जाएगी, तो एक कोशिश जरूर है अपने वोटों के ध्रुवीकरण को मजबूत रखने की और दूसरे वोट को लाने की जिसे फ्लक्चुएट वोटर कहते हैं। क्या होगा 13 नवंबर और 20 नवंबर को पता चलेगा। बिल्कुल ऋषिकेश, ये तो वक्त ही बताएगा कि नैरेटिव कितना काम करता है, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि एक नैरेटिव जरूर सेट किया जा रहा है। हमारे सहयोगियों के लिए आपका शुक्रिया।